तो देख छोटे हो ना देख गुड आफ्टरनून सर। चेतन सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। चलो क्या पढ़ा था इसमें? आईपी पढ़ा। अपन इतना पीछे चल रहे, तुम्हारी क्लास में पीछे चल रहा हूँ, बाकी क्लास में चैप्टर खत्म होने हैं। सही में हाइपरमेट्रोस्फीयर से पढ़ने
वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। मीन्स मेरे को पहले 25 सेंटीमीटर से क्लियर दिखना स्टार्ट हो रहा था, अब वो क्लियर देखना मेरे को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है सेवन मीटर बाद में, एक मीटर बाद या दो मीटर बाद में मेरे को स्टार्ट हो रहा दिखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे एक से दो मीटर की रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो मुझे क्लियरली नहीं नजर आएगा। तो मेरा नियर पॉइंट जो हो चुका है वो 25 से ज्यादा हो चुका है, हो सकता है वो 1 मीटर हो सकता है वो 1.5 हो या हो सकता है वो 2 मीटर। ठीक है, डिपेंड्स कि भाई कितना ज्यादा इफेक्टिव डिजीज आपको हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसका जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है और फार पॉइंट की क्या बोलेंगे थोड़ा सा पीछे चलता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें रेंज ऑफ विजन कुछ इस तरीके से हो गया कि इसका जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। क्या हुआ? थोड़ा बड़ा लिखो ना। तो अभी इसका करेक्शन थर्ड पॉइंट यही पढ़ना है अपन को। करेक्शन कैसे होता है, कैसे होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो क्या होता है ऐसा कॉन्वेक्स लेंस? और डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है तो डायग्राम बना लेते हैं। इस केस में डिफेक्ट होता तो है पर इमेज कहां बनती है? यहां पर क्या होगा सबसे पहली बात, रीजन तो पढ़ो, रीजन क्या होंगे उस केस में? क्या हो रहा था? कर्वेचर एक्सेसिव हो रहा था। इसमें कर्वेचर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कर्वेचर डिक्रीज होने से क्या होता है? फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें डायरेक्टली इसमें सकते हो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो चुकी है? बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो गया? वो भी किसके? लेंस के डिफेक्ट, आई लेंस के डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया कि भाई जो फोकल लेंथ हो चुकी है लेंस की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो परफेक्टली रेटिना पे इमेज नहीं बना पा रहा है। और सेकंड केस में क्या पढ़ा था मैंने यहाँ पर? एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। यहाँ पर आईबॉल कितना हो जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, आईबॉल becomes short, ठीक है, आईबॉल हो चुका है थोड़ा सा छोटा। तो ये दो रीजन की वजह से, तो रीजन में इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही रीजनिंग है जैसा मैंने फर्स्ट मायोपिया में एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ डायग्राम। ठीक है, रीजन के बाद में अब अगर इसका डिफेक्ट नॉर्मल डिफेक्ट बताता हूँ कि डिफेक्ट क्या होता है। ये आपका रेटिना, ये आपका आई लेंस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे फोकल लेंथ की वजह से जब कोई भी लाइट पैरेलल आएगी एक तरीके से फोकल लेंथ बिकम टू लॉन्ग या थिन कर्वेचर की वजह से। ठीक है, कर्वेचर कैसा होता है? उसका बहुत कम हो चुका है, तो इसकी कन्वर्जेंस पावर कम होगी या बढ़ेगी? फर्स्ट केस में क्या हो रहा था भाई? कर्वेचर एक्सेसिव होने की वजह से कन्वर्जेंस पावर जो थी वो क्या हो चुकी थी? बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए रेटिना से पहले ही मिला रहा था। अब ये कैसा हो चुका है? सर कर्वेचर कम हो चुका है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी कन्वर्जेंस पावर काफी कम हो चुकी है। ठीक है, एक परफेक्ट कन्वर्जेंस पावर आपके आई लेंस के पास होनी चाहिए ताकि वो परफेक्टली रेस को कहां कन्वर्ज कर रहा है? रेटिना पे कन्वर्ज कर रहा है, बट इसकी कन्वर्जेंस पावर काफी कम हो चुकी है। दैट्स व्हाई क्या करता है, मींस हाइपरमेट्रोपिक आई लेंस जैसा होता है कि इसकी कन्वर्जेंस पावर ये हो चुका है लेस, तो इसने कन्वर्ज तो करता है लेकिन परफेक्टली रेटिना पे कन्वर्ट नहीं कर पाता। कहां कन्वर्ट करता है? बिहाइंड द रेटिना। लाइट रे बिहाइंड द रेटिना जाएगी? नहीं जाएगी। कहां पे जाके खत्म हो जाएगी? इस लेंस पर। वो अपन इमेज तरी बोल रहे कि इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है लाइट रेस का, कहां हो रहा है? बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो ये एक किसकी वजह से? लॉन्ग फोकल लेंथ की वजह से या थिन कर्वेचर की वजह से लेंस अपना कर्वेचर कन्वर्जेंस पावर हो चुका है तो वो परफेक्टली कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है अपन रेटिना। ठीक है, और दूसरा आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। ठीक है, आईबॉल बिकम शॉर्ट
तो जैसे अगर नॉर्मल आई के लिए बनाओ तो ये नॉर्मल आई का साइज ठीक है, इसमें क्या होगा परफेक्टली इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा ठीक है लाइन का। या आई बोल अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो लेंस को भी अपने केस में लेंस, इस केस में लेंस परफेक्टली काम करता ठीक है, पर आई बोल कैसा हो चुका है थोड़ा सा छोटा हो रहा है ठीक है, क्या हो गया आई बोल थोड़ा सा छोटा हो गया। तो लेंस तो एज इट इज वैसा ही काम करेगा कि जहां पर परफेक्टली उसको करवाना चाहिए वही करवाएगा, लेकिन आई बोल की साइज की वजह से रेटिना का आ चुका थोड़ा सा आ गया, उस केस में क्या कर रहा था रेटिना थोड़ा पीछे की तरफ पीछे कर रहा था, और इसमें आई बोल छोटा होने की वजह से रेटिना किधर आ चुका थोड़ा सा आ गया। तो इंटरेक्शन तो अभी भी वहीं पर हो रहा जहां पर यहां हो रहा था तो यही हो रहा था, लेकिन ये आई बोल अगर थोड़ा छोटा कर दूं तो रेटिना का आ जाएगा थोड़ा सा आगे आ जाए, इस तरीके से समझ में आई बात। तो ये इसके दो रीजन हो गए। अभी करेक्शन देखो तो प्रॉब्लम यही होती है कि हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो लेंस कन्वर्जेंस करवाता है तो कन्वर्जेंस कहाँ होता है करेक्शन कहाँ होता है इंटरसेक्शन बिहाइंड द रेटिना, मींस इमेज कहाँ बनती है बिहाइंड द रेटिना बनती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बनती है पर जस्ट इमेजिनरी बना रहे ठीक है। तो यहाँ देखो अब करेक्शन कैसे कराओगे इसका, कॉन्वेक्स लेंस अब कन्वर्जेंस पावर खो चुका है तो अपन को क्या बढ़ाना पड़ेगा कन्वर्जेंस ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस लेंस का जो कन्वर्जेंस हाइपरमेट्रोपिक आई है इसका कन्वर्जेंस पावर खो चुका है ठीक है, तो लाइट इस तरीके से आ रही है और ये कन्वर्ज करवा रहा है यहाँ पर पीछे के साइड ठीक है। अगर मैं इन्हीं लाइट रेज को एक कॉन्वेक्स लेंस इसके आई लेंस से आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा कर फिर कन्वर्ज कर रहा हूं तो पहले ही थोड़ा सा क्या हो गया आगे लाइट इसके नहीं कन्वर्ज होके आएगी और मेरा फोन बंद ठीक है। तो लाइट रेस कैसे पहुंचेगी लेंस तक, तो आई लेंस तक लाइट पहुंचेगी वो कैसे होगी थोड़ी सी ऑलरेडी कन्वर्ज होगी और फिर उसके बाद कितनी कन्वर्जेंस पावर तो है तो वो कहां कन्वर्ज करवा दे इसको परफेक्टली रेटिना पर कन्वर्ज करा दे। डायग्राम ऐसा बना है उसमें देखे चलो थोड़ा सही से बना लेता हूँ फिर तुम बोलो कि सर आपने कैसा बनाया वैसे पीएमसी क्यों आने वाली क्या डायग्राम और पता होना चाहिए कि हाँ वहाँ पे डायग्राम साइंस में तो आ ही जाते हैं डायग्राम चार ऑप्शन दे देंगे कि हाँ भाई इसमें से हाइपरमेट्रोपिक आई कौन सी तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई रेटिना के पीछे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हाइपरमेट्रोपिक आई जाएगी तो इस तरीके से स्टैंड होगी और आई के पीछे ठीक है। तो लेंस लगा के अपन ने क्या किया कन्वेक्स लेंस लगा के अपन ने क्या किया लाइट रेस को ऑलरेडी थोड़ा कन्वर्ज कराया और उसके पास इतना अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस पावर है कि वो अब रेटिना पर कन्वर्ज समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा हो गया हाइपर मेट्रोपिक। इसमें मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहला रीजन और सेकंड करेक्शन ठीक है एमसीक्यू में इस तरीके का कुछ खास। नेक्स्ट देखो थर्ड वन इज प्रेस बायोपी यार मुझे से लग रहा है प्रेस बायोपी मैंने पढ़ा नहीं है ओके सी और इसको पढ़ा है चलो प्रेस बायोपी जो होता है इसमें क्या होता है इसमें भी करेक्ट इसमें भी करेक्शन है मैं डायग्राम के अभी थ्योरेटिकल पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर प्रेस डायोपिया जो होता है मेनली ओल्ड एज में देखा जाता है मींस बूढ़े बूढ़ापन जैसे आता है बुढ़ापा आ जाता है इंसान का उसके साथ में प्रेस डायोपिया हो ही जाता है ऑलमोस्ट सब में होता ही होता है ठीक है। क्यों होता है सबसे पहली बात कि सेयरिंग मसल जो होती है लेंस जो होता है अपना पावर ऑफ एक्विपमेंट्स को खो चुका क्या अपना पावर ऑफ एक्विपमेंट्स मींस एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ तो एबिलिटी होती है उसकी कि भाई फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है वो एबिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों क्योंकि वीक मसल्स क्या हो जाती है बुढ़ापे के साथ साथ मसल्स वीक हो जाती है तो सिलेरी मसल्स वीक है कि मसल्स है तो वो अपना
जो एक तरीके से उनमें उनके अंदर भी कैसे आ जाती वीकनेस आ जाती सिलेरी मसल्स अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो सिलेरी मसल्स जब प्रॉपरली काम करती तभी जाके तो लेंस अपना काम कर पाएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन शो कर पाएगा। लेकिन सिलेरी मसल्स क्या होती है बुढ़ापे के साथ में कमजोर हो चुकी है, तो उसके साथ में ही ये बीमारी जो होती है। अब इसमें होता क्या बीमारी हो क्यूरी हो मैंने तुमको बता दिया कि सिंपल सा रीजन है कि बुढ़ापे के साथ साथ में मसल्स कमजोर हो जाती है, इसके साथ में लेंस लेंस जो होता है वो अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन खो देता है। ठीक है, तो इसमें विजन किस तरीके का होता है, इसमें रेंज ऑफ विजन जो विजन जो होता है वो कैसे चेंज होता है। इसमें जो रेंज ऑफ विजन है इसमें क्या होगा, ना इंसान ज्यादा दूर का देख पाएगा और ना ज्यादा पास का देख पाएगा। ठीक है, मीन्स इसका जो नियर पॉइंट था वो भी थोड़ा आगे आ चुका है और फायर पॉइंट भी आ चुका है थोड़ा सा कम हो चुका है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन रेंज होती है उसके अंदर जो फायर पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों क्या जाते हैं बुढ़ापे के साथ में चेंज था, कि ना ज्यादा दूर का देख पाते हैं वो लोग और ना ज्यादा पास का देख पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है उसके अंदर। तो इस तरीके का डिफेक्ट जो कहलाता है वो प्रेस लायर पे। करेक्शन कैसे करूंगे, क्या पहनेंगे, बाय अच्छा बाइफोकल लेंस का मतलब ये हो गया कि आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों साथ में पहनते उसका ग्लास देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। होता है कॉन्वेक्स लेंस, यस। ठीक है, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस ये छोटा सा देखो यहाँ पर जो छोटा सा सी पार्ट होता है। ठीक है, तो वो सी पार्ट जो है वो छोटा सा वो है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस है वो कॉन्वेक्स और बाकी का अपर पार्ट कॉनकेव। तो तुमने देखा होगा जब बूढ़े कुछ पेपर पढ़ते हैं तो वो ऐसे देख के पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं वो इस वाले कॉन्वेक्स लेंस से नीचे की तरफ देख रहे हैं, सर इसमें होता है लेकिन नीचे देखते होते हैं इसलिए वो ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, और जब ऊपर देखना होता है तो वो स्ट्रेट देख सकते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रेस बायो की कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अभी यहां देखो प्रिज्म क्या होता है, कब बड़ा प्रिज्म होता है, कहां पर मैथ्स में पढ़ा। हाँ, तो क्या होता क्या है प्रिज्म, क्या किसको बोलते हैं प्रिज्म, एक टाइप का सॉलिड शेप बोल सकते हो जो कुछ इस तरीके का होता है जिसके पास फाइव फेसेस होते हैं, दो फेसेस जो होते हैं वो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और तीन जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है, झोपड़ा नहीं है प्रिज्म, ग्लास का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका एक परफेक्ट रेगुलर शेप होता है जिसको अपन प्रिज्म। ठीक है, तो हे ग्लास ही थ्री, अब इससे अपन रिफ्रैक्शन लाइट को जब एक लाइट को प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो किस तरीके से वो लाइट का रिफ्रैक्शन करता है वो आपको पढ़ना है, उसमें से एक डायग्राम है। कल से रस्सिया मंगवानी पड़ी, हाथ पैर बंद इतना थोड़ा दूर बैठ जाओ, यहाँ जगह ये सेकंड बेंच कम यार कम यार। देखो इधर इसमें से एक डायग्राम आपको ध्यान से समझना है, ये प्रिज्म आपका, अभी ही यहां पर एक पर्टिकुलर लाइट इंसिडेंट करवाई। ठीक है, क्या होगा इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने से पहले अपन यहाँ पे क्या बना देते हैं नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल बनाने जरूरी है ना, पता कैसे चलेगा इधर होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टू वर्ड नॉर्मल आ गए। ठीक है, अब अगेन
क्या अगेन इसका रिफ्लेक्शन होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन अपन एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये बना लिए इसकी नॉर्मल आइटम। अब इधर होगा रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस कि डाइस बन जाएगी और नीचे डाइस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। इस तरीके से पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, डायग्राम ही पढ़ना, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ नोटेशन अपन दे सकते हैं। अब अपन को ये पता लगाना है कि अगर ये लाइट अपने रेगुलर पाथ, इसका रेगुलर पाथ जो था लाइट का, वो किस डायरेक्शन स्ट्रेट, ठीक है, बट अब किस डायरेक्शन में चली गई, ये ऐसे चली, फाइनल तो यही जा रही है ना, इमर्जेंट होके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंस, कि भाई एक साइड से अंदर जाना और दूसरे से बाहर आना, दैट इज इमर्जेंस, ठीक है। नहीं, तो ये लाइट इमर्जेंट हुई, ठीक है, तो ये जो इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं लास्ट इमर्जेंट रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट, ठीक है। तो जो इमर्जेंट रे है वो अपनी रेगुलर पाथ से कितना डेविएट, कैसे पता लगाएंगे अपन, डेविएशन। तो एक एंगल यहां पर अपन बताते हैं, बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसका रेगुलर पाथ ये था, अब इसका जो पाथ हो चुका वो ये, अब इसका एक पाथ हो चुका है। तो ये इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट इतना चली गई, तो अपने रेगुलर पाथ से कितना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। अपन एंगल डी लिख रहे हैं, जब लेफ्ट को जब फिजिक्स पढ़ोगे इसी को बोलोगे तो डेल्टा, क्या पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। चलो अब बाकी का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी नॉर्मल एन, this one is normal n dash, ये point of incidence O, this one is point of incidence O dash, ये आपका कौन सा angle होगा, angle of incidence, ये होगा angle of refraction, ये होगा angle of emergence, ठीक है। चलो तो sir नहीं होगा, ठीक है, से होगा। अभी एक सर 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है सेकंड, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम लाइट रे इंसिडेंट, सेकंड टाइम जब रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पे इंसिडेंस, तो इंसिडेंस ही हो रही है ना, दैट्स व्हाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही होगा। एंगल ऑफ डेविएशन यही होगा, देखो कैसे अपन जब एक एंगल बनाते हैं, अगर मैं जैसे ये सेम डायरेक्शन, ठीक है, जैसे वॉच जो होती है, ठीक है, वॉच जो होती है, देखो ये जो है वो मेरे हैंड है और ये जो है आवर एंड, ठीक है। तो अगर आवर एंड जैसे मान लेता हूँ कि ये अभी क्या 12 o'clock हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर डीवी जैसे यहाँ से मुड़ गई और अपने बर्थडे घड़ी पे, ठीक है, क्या शो करोगे, मैं ऐसा बोलूं कि आवर एंड जो है अपने स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से कितना मूव किया है, कैसे शो बाय एंगल शो करोगे, 90 डिग्री का कितना बोला, ठीक है। तो ये भी तो वैसे ही हो रहा है, देखो इसका रेगुलर पार्ट ये, तो मतलब जानी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पर ये लाइट कहाँ पे कॉन्सर्ट होनी चाहिए, यहाँ पर कॉन्सर्ट होनी चाहिए, बट अब अपने पार्ट से कितना मूव कर चुकी है, ये इतना मूव कर चुकी है, यही एंगल शो करोगे ना, कैसे सुना कि करोगे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हाँ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार कि ये वाला एंगल होना, नहीं जहां किधर ये थी डायरेक्शन किधर है, किधर डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन से कितना मुड़ी, इतना मुड़ी ना, तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है, उसके लिए दो पेज का डेविएशन है करना है, बाकी ना चलेगा साइन आए साइन आर सब आ जाएंगे अभी इसके अंदर, जो स्नेल्स लॉ तुमने सिर्फ अभी इतना पढ़ा है कि साइन आए बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो सब चीजें यहां पे आ जाएंगी, है नहीं नहीं सर, फिर ऐसा बोल सकते हो कि एंगल आई और एंगल आर जो ई है इमर्जेंस,
इसमें एंगल डी फाइंड करने का आएगा क्या? एंगल ए, कौन सा एंगल ए? एंगल डी, डी डी नहीं आएगा, डोंट वरी। मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म में सिर्फ आपको ये डायग्राम आना चाहिए और इससे रिलेटेड जो नोटेशन अभी जो लिखे हैं वो पता हो, ठीक है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ऐसे लिख दो, एंगल ए, एंगल दिस वन इज दिस वर्टेक्स 60 डिग्री होगा आपका, रिपीटेड ट्रायंगल होता है। मैंने बोला है कि भाई प्रिज्म के अंदर दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, इक्विलेटरल, दैट्स हाउ 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर रेस का भी नाम देते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो जरा बताओ तो मुझे, यहां पर ए ओ क्या है? इंसिडेंट। नेक्स्ट O O dash क्या है? Reflection। Then B O dash क्या है? Emergent। Emergent ray। Then उसके बाद N and N dash क्या है? Normals। Next angle D क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं निकालना आएगा, डोंट वरी, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डायग्रामेटिकली शो करो। एंगल आई, एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस, लास्ट वन इज एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलो फटाफट से बना लो और ये लिख लो। चाहे आप कॉपी कर लेना, मेरे को बस ये जल्दी करो, महिला क्वेश्चन लिखी जरूर है, पहली कुर्सों में लिखो बेटा, लड़ी जो बेटा एक बार लिखो जल्दी, उसके बाद अपन डिस्पर्शन आज खत्म कर लेते हैं। तुम्हारी क्लास में कितना जल्दी इतने बड़े बड़े बाबा से लेके नहीं, वो तभी इक्वल होगा जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस बेस से, इस प्रिज्म के बेस से पैरेलल आ जाए, तभी जाके एंगल आई और एंगल ई जो मतलब इक्वल। सर एंगल आर और एंगल ई तो आर और ई कैसे इक्वल होंगे? एंगल आर तो हमेशा छोटा ही होगा क्योंकि ये तो टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ठीक है? हाँ, तुम एंगल ऑफ आई को जिस तरीके से लो, ऐसा तो हालांकि कभी ऐसा नहीं होगा कि एंगल आर और एंगल ई, ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, तो
हमेशा दोनों की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, तो एंगल आई और एंगल ई की वैल्यू सेम कर, कब सेम कर सकते हो, जब तुम रिफ्लेक्टेड रे को बेस से पैरेलल कर, तो तुम्हारा एंगल आई और एंगल ई इक्वल। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रिज्म यहाँ पर एंगल को वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल सब इंसिडेंस लेते रहो, ठीक है, 30, 80 व्हाटएवर एंगल इज, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है, डिपेंड करता है कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिक्स वैल्यू होती है। फिर ये प्रैक्टिकल भी है, जो ये जो प्रैक्टिकल तुम्हारी बुक में लिख रहा है वाला प्रैक्टिकल तुमको वहां परफॉर्म करके लिखना भी है। पहले सोच रखना चाहिए, ठीक है, पर हमारी तो कॉमर्स में भी होती है, यहाँ पर क्या होता है कि
जब भी आप किसी व्हाइट लाइट, स्पेसिफिकली क्या बोल रहा हूँ, किसी व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास आउट करवाते हैं, ठीक है, क्या कराया, नीचे तरीके से रिफ्लेक्शन कराया, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से ये व्हाइट लाइट जो होती है वो सेवन कंपोनेंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाइट लाइट जो होती है वो एक्चुअली व्हाइट अपन को, लेकिन अपना विजन को जिस तरीके का कि वो सेवन कॉम्बिनेशन को कलर्स के कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहा है, एज अ व्हाइट लाइट देख रहा है, बट व्हाइट लाइट एक्चुअली क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। तो ये अपन को कब पता चला, जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास आउट कराया तो उसने ये देखा कि ये व्हाइट लाइट जो है वो सेवन अलग अलग कलर्स के लाइट्स में स्प्लिट हो चुकी, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ सेवन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कंपोनेंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन। भाई डिस्पर्शन यही है कि भाई ये व्हाइट लाइट का उसके सेवन कलर कंपोनेंट लाइट्स के अंदर स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन के, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन जो होता है कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पर आपको एक कुछ बैंड ऑफ लाइट आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर का, क्या आपने स्क्रीन रखी वो स्क्रीन के ऊपर लाइट का कुछ एक बैंड बन रहा है, तो किस तरीके का बैंड है, तो फ्रंट से देखोगे तो किस तरीके का फ्रंट बनेगा ये, ठीक है, इस तरीके का एक अरेंजमेंट आपको मिलेगा कलर का। तो ये अरेंजमेंट और ये बैंड ऑफ लाइट क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, और स्पेक्ट्रम का नाम अपन ने क्या रखा है, समझ पाई बात, वेव्स और डेप्थ, सिंपली आप नाम कलर्स को याद कर सकते हो किस फॉर्म में या किस तरीके से किस ऑर्डर, किस ऑर्डर में है वो याद रखो, इसलिए आपको नाम दे दिया, ठीक है। बट ये वेव्स और लिखते हो कैसे, मत लिखते हैं कि यहाँ पे आपको लिख दिया वॉयलेट और यहाँ लिखते हैं उल्टा होता है इसका, ये जो बैंड होता है इससे क्या होता है, वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, दैट्स व्हाई इसको अपन वेव कलर बोलते हैं, सब पे इनिशियल सब कलर्स इनिशियल, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपन को मिलता है वहां पर जब आप किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास आउट करते हैं, तो दैट इज योर डिस्पर्शन। अब ये डिस्पर्शन का क्या रीजन है वो देखो, रीजन इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन हो सकता है ऐसे तुमको पता है, क्या रीजन हो सकता है बताओ, बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है, नहीं बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है, तो मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम में जाने के बाद में लाइट स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो भाई व्हाइट लाइट जब अपने पास में जब तक व्हाइट लाइट है तब तक वो सेवन कॉम्बिनेशन कलर है, तो उनमें यहाँ पर जब एयर मीडियम से जा रही है, जब एयर मीडियम में है तब तक उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, और जैसे ही वो इंसिडेंट हुई प्रिज्म के अंदर तो ऐसा क्या हुआ वहां पर कि सातों लाइट्स स्प्लिट हो गई, तो क्या होगा पॉसिबली कि भाई यहाँ पर उन सातों लाइट्स का, यहाँ पर भी ये तो सेवन लाइट्स पर साथ में कंबाइन हुई है इसलिए हमको व्हाइट नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से पास आउट होगी तो यहाँ पर उनकी वेलोसिटी की वजह से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो इस मीडियम के अंदर जैसे ही वो प्रिज्म के ग्लास मीडियम के अंदर जाएगी तो यहाँ पर वो सातों कलर्स का वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। एक तो ये रीजन है कि भाई सातों लाइट्स का जो वेलोसिटी है उस प्रिज्म के अंदर वो कैसा हो गया, डिफरेंट हो, ठीक है। एक रीजन और होता है, चलो नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा ध्यान अपन चेक कर लेते हैं, क्या है उल्टा भाई बोलने वाले, हाँ क्या है ये बताओ, अच्छा याद था नहीं, गले तक आ गया था, तो तक यहाँ पर वेवलेंथ का कुछ था, क्या वेवलेंथ ही है, दिस इज योर वो तो तुम्हारी सामने वाले से वेवलेंथ, ठीक है। इस नोटेशन का नाम सिंबल का नाम क्या है, क्या करना सर भाई ये सर आज बना देंगे पूरा चैप्टर ही ये सब, दिस इज योर लैम्ब्डा, ठीक है, दिस इज योर लैम्ब्डा, ठीक है, इस साइन का नाम है सिंबल का नाम क्या है, लैम्ब्डा,
निबड़ा नहीं ठीक है जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं डेल्टा होते हैं उस तरीके से ये भी ग्रीक लेटर है ठीक है। तो अभी सुन लेना लैम्डा चलो इधर देखो क्या मीनिंग है लैम्डा का मीनिंग क्या है अच्छा लाइट जो होती है क्या था देखो वेव फॉर्म जो होता है वो किस तरीके से होता है वो जब ए बोल रहे हो वो एम्पलीट्यूड होता है आप एम्पलीट्यूड बोल रहे थे मैं वेवलेंथ पूछ रहा हूँ इस केस में इस वेव फॉर्म में वेवलेंथ किसको कहते हैं There is a distance between two consecutive crust. ठीक है ये जो ऊपर वाला portion होता है उसको crust बोलते हैं नीचे वाला होगा ऐसे उसको बोलते हैं trough बोलते हैं ठीक है तो दो consecutive trough के peak peak मतलब जो सबसे ऊपर वाला point है इस point के बीच का जो distance कहलाता है वो कहलाता है हमारा wavelength ठीक है तो यहाँ पर ये जो wavelength के ऊपर भी depend कर रहा है इसका जो dispersion है देखो अभी ये एक बात बताओ कि सातों कलर जो होते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे डेविएट हो रहे हैं सबका कलर सेम ना दिया एंगल सेम है क्या सेम होता तो व्हाइट लाइट निकल के आ जाती ठीक है ना तो डेविएशन सबका अलग अलग है एंगल ठीक है अब यहाँ बताओ कि जैसे अगर मैं ये अपना रेड है ये अपना ब्लू वॉलेट ठीक है तो अगर मैं वॉलेट का देखू तो वॉलेट का कुछ इस तरीके से और किसका एंगल ज्यादा है वॉलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वेवलेंथ ठीक है और कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अब बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी रेड की इसका मतलब ये हो गया यहां देखो नेक्स्ट कि जो रेड होता है उसका वेवलेंथ सबसे हाई होता है ठीक है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है ठीक है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सबसे मिनिमम होता है ठीक है इसी तरीके से अगर वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपन जब पढ़ेंगे उसमें भी वापस अपन वेवलेंथ की बात करेंगे ठीक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका ज्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है ठीक है दो डिपेंड क्योंकि उसमें दो रीजनिंग क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे सबसे पहला कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है और दूसरा स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है दूसरा सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो आसमान हो जाता है होराइजन पर वो कैसा हो जाता है ऑरेंज ठीक है वो उसमें भी यही रीजन है और यहाँ पे ध्यान से समझो अभी तो रेड का वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे डिफाइन डिफर करोगे कैसे कैटेगराइज करोगे उसका डायग्राम भी बना तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कैसा होगा मैक्सिमम ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया कि इनकी इन सातों कलर्स के वेवलेंथ में क्या होता है डिफरेंस होता है तो दैट्स व्हाई ये सातों कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट करते हैं तो दैट्स व्हाई अपन को यहाँ पर एक बैंड नजर आता है सेवन कलर्स का लाइन का बैंड नजर आता है यहाँ पर वेवलेंथ अलग है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला वेलोसिटी चेंज फैक्टर काम करता है यहाँ पर वेलोसिटी सेम है तो इसीलिए तो कंबाइन होकर सेम चल रहा है ठीक है तो फिर मैंने इसलिए तो फर्स्ट सीजन क्या बोला कि यहाँ पर आते ही सबकी वेलोसिटी तो डिफर है ठीक है इस मीडियम के अंदर डिफर है ठीक है और फिर उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि फिर सेकंड जो फैक्टर बोल रहा हूँ मैं एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का क्यों ज्यादा है और रेड का क्यों कम तो वो वेवलेंथ बच में आ गई बात तो अभी एक्सपेरिमेंट तुमने ऐसा किया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का कि यहाँ आपने एक डिस्क लिया ठीक है उसके ऊपर ये सेवन जो प्राइमरी कलर्स होते हैं
उनका घुमाएंगे तो क्या बेहतर आएगा, ठीक है। वो अपना डिलीजन एक तरीके का क्या एक तरीके का डिलीजन है जो अपने आंखों को नहीं बताते भाई शांत अलग लगता है, वो आंखों को क्या नजर आता है ब्लैंक व्हाइट नजर आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, लिख लो इसको कहीं पर है इसका व्यू बनाते क्यों होता है। नीचे जाते चाय पीना जरूरी कर रहा है ये पता पड़ेगा सर उल्टा बाहर बनाया जैसा अभी एक क्वेश्चन कवर होता है, इसके अंदर रेनबो कैसे बन एक क्वेश्चन में सिंपल है जनरल नॉलेज का कि आपको सारे कलर्स किस तरीके से क्यों नजर आते हैं। अगर पेड़ का कलर या पेड़ की पत्तियों का कलर ग्रीन है तो वो ग्रीन नजर तुम्हारा रोड्स और कोन्स का काम सिर्फ ब्राइट लाइट और डिम लाइट को कलर्स भी आ गए बट ऐसा क्या होता है ये जस्ट आंखों का काम नहीं है, ये रेड और सिर्फ आंखों का काम नहीं है कि वो कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें नेचुरल फिनोमिना बताओ क्या। हाँ बोल सर अरे क्या बात है जोरदार वेरी गुड अपनी तरीके से खुद ही हंसती यहाँ पर क्या होता है कि आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स नेचर्स में इसलिए आप डिफरेंस कर सकते हो दिखते हैं पेड़ हो गया बोला पेड़ से बनाया लेकिन छोटा ग्रीन है ठीक है। तो सनलाइट के अंदर ही आपको ग्रीन नहीं नजर आएगा सीधी सी बात ठीक है। अगर एक एग्जांपल ये देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है सिर्फ आपकी कैटेगराइज कैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपके नहीं पता लगा जैसे अगर मैं इस पूरे रूम में रेड ट्यूबलेट्स लगा दूँ कैसी रेड ट्यूबलेट्स तो आपकी मैक्सिमम चीजें कैसे दिखेगी ब्लैक कलर होता है ना भाई रेड कलर में तुम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो ब्लैक नजर आते हैं मैक्सिमम कलर ब्लैक नजर आते हैं डार्क ग्रीन हो गया ठीक है ऑरेंज भी हो गया तो वो थोड़ा ब्लैक ही नजर आएगा ठीक है। तो इस तरीके वो चीज बोल रहा हूँ कि उसमें फिर कैसे कैटेगराइज करते हैं उससे उसमें फिर ऐसा क्या होता है कि अपन को डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। व्हाइट लाइट में ऐसा क्या होता है कि अपन को कलर्स इजीली बहुत इजीली बाकी दूसरी किसी रेगुलर लाइट में देखोगे तो कलर डिफरेंट नजर आएगा भले येलो कर लो ग्रीन कर लो किसी भी कलर कर लो वो आपको अलग ही कलर का नजर आएगा तो रेगुलर। लेकिन व्हाइट लाइट के अंदर आपको एग्जैक्टली तो सेम कलर है उस ऑब्जेक्ट का वही कलर नजर आता है। उसका रीजन ये है कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट में तो क्या है सेवन डिफरेंट कलर्स है ठीक है। तो इसका जो वही सब ऑब्जेक्ट के पास में अपनी स्पेशल एबिलिटी है कि जो वो कलर जैसा उसका कलर है उसी कलर की लाइट को वो क्या कर सकता है रिफ्लेक्ट कर सकता है। भाई होता क्या है रिफ्लेक्शन की वजह से अपन को चीजें नजर आ रही है भाई लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे आपको कलर तो मुझे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही लाइट यहाँ पर क्या हुआ
इंसिडेंट हुई तो जिसका कलर मुझे ग्रीन नजर आया, दैट मींस ने क्या किया कि सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को क्या किया उसने रिफ्लेक्ट किया और बाकी लाइट को क्या कर लिया एब्जॉर्ब कर। तो सर ये ब्राउन कलर नजर क्यों आया? कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइट ऑब्जर्व कर, फेस का ब्राउन कलर है तो क्या क्या मिला होगा रेड एंड ब्लू हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों लाइट्स को क्या किया इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी बची पांच लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। तो सर ये सिलेक्ट कैसे करते हैं सर कि हमको कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी है कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करनी है? क्या हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सब सारी लाइट्स के जो सेल्स होते हैं वो मीन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास अपने अपना एक तरीके का सारी सरफेस हो गई, उनकी एक अपनी स्पेशल एबिलिटी होगी कि जो मेन जो कलर है जिस ऑब्जेक्ट का जो कलर है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। बाकी लाइट जैसे साउंड में तुमने पढ़ा होगा साउंड में जो ब्लैक कपड़े होते हैं या ब्लैक कर्टन जो होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ना, साउंड चैप्टर में अपने पढ़ा था ये नहीं क्या, तो उसी तरीके का काम इनका है कि भाई जो कलर है उनकी बॉडी का जो कलर है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और बाकी लाइट को क्या कर देंगे वो अब्सॉर्ब कर लेंगे या फिर जाने नहीं देंगे, रिफ्लेक्ट होने नहीं देंगे, वो लाइट वहां आके उस सरफेस पे आकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं से देखो तो ये सिंपल से ही कुछ पूछने वाला नहीं है, इसमें से सिर्फ ध्यान रखना है इसका नॉलेज। यस इसी के तो ब्लैक नजर आ रहा है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखो रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। क्या रेनबो कैसे फॉर्म होता है? रेनबो बनने के लिए मेनली दो फिनोमिना काम करते हैं, कितने फिनोमिना काम करते हैं? दो या तीन भी बोल सकते हैं, वैसे तो तीन फिनोमिना होते हैं। देखो रेनबो कब नजर आता है? बारिश के बाद। क्या रेगुलर बारिश में नजर आता है? बहुत ही रेयर केस में नजर आता है रेनबो जो होता है, बहुत रेयरली केस में बनता है। वो रेयर क्यों है वो भी पता चलेगा कि कंडीशन ये जो बता रहा हूँ कंडीशन बनेगी तभी रेनबो नजर आएगा, अदरवाइज नजर। एक तो कंडीशन नॉर्मल है कि आपकी पोजीशन क्या, कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हो पोजीशन डिफर करती है, आप रेनबो तभी नजर आता है जब रेनबो जो है वो आपके पीछे हो, सॉरी सन जो है वो आपके सर के पीछे हो और आपके सामने मींस यहाँ पर तभी रेनबो नजर आ, मींस यहाँ पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए तो सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और उसकी वजह से क्या बनेगा रेनबो होगा और तभी आपको रेनबो नजर आए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सन आपके सामने है और सन से पहले ही आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं। क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर के पीछे क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए, तो आपको आगे की डायरेक्शन क्या नजर आएगा रेनबो। और ऐसा भी क्यों? उसके लिए तीन मेन यहाँ पर देखो, मेन लिए क्या बोला, दो होते हैं तीन बोल सकते हो। देखो सबसे पहले जैसे कि सनलाइट होता क्यों है, किस वजह से है भाई, प्रिज्म करवा रहे थे अपन, डिस्पर्शन करवा रहे थे क्योंकि उसमें भी सेवन कलर नजर आ रहे हैं, सेवन कलर आ रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज है तो जिसका काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है। तो भाई जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो एनवायरमेंट कैसा हो जाता है, एटमोसफेयर कैसा हो जाता है, मॉइस्चर वाला हो जाता है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो सारी एटमॉस्फेयर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। गुड हैपेंस फॉर द बेस्ट, क्या कर ठीक है। तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में फिर ऐसा क्या होता है कि वो क्योंकि वो बनता उसी की वजह से, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर तो ही जाके क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे डिस्पर्शन कर रही है, होगा तो डिस्पर्शन ही है, सेवन कलर नजर आ रहे हैं और किस किस लाइट का होगा, सनलाइट का, सनलाइट होगी तो ही डिस्पर्शन तो ही रेनबो आपको नजर आए वरना नहीं नजर आए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर या वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिनोमिना होना स्टार्ट होता है, दैट इज डिस्पर्शन। क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिस्पर्शन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है कंटिन्यूस कैसे में होलो स्पेस है नहीं होती है छोट कौन बोला बबल्स नहीं है, वो बबल्स होते हैं तो एयर गैप होता है,
बीच में मैं वाटर ड्रॉप्स बोल रहा हूँ जिसमें कंटिन्यूअसली पूरा एक पानी का बूंद है। तो जैसे ही यहाँ पर सनलाइट एंटर होती है तो सबसे पहला जो फिनोमिना होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्पर्शन। ठीक है, अपन ने जब इसमें प्रिज्म में किया था तब भी क्या किया था, कैली से क्या होना स्टार्ट हो गया था, डिस्पर्शन होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर भी इसलिए क्या डिस्पर्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है सेकेंड केस में, यहाँ पर एक नया फिनोमिना आ जाता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं पढ़ा सोचो मत क्या होता है बताओ। ठीक है, और फिर यहाँ पर आके होना होता है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन। तीन फिनोमिना हुए, फर्स्ट डिस्पर्शन, सेकंड फिनोमिना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और थर्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन तीनों रिफ्लेक्शन, इन तीनों फिनोमिना कंबाइन होते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट के, एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट स्तर पे इतना सब कुछ होता है तब जाके रेनबो नजर आता है। तो इसमें से ये तो ये इजी है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ना बहुत ही रेयर कंडीशन बन पाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो हमें होगी होगी परिसर बाद में, और धूप आ गई तो उसमें से पास आउट होगी होगी। तो मेनली वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर देगी, ये सनलाइट इधर से एंटर हुई बाहर निकल, समझ में आ गई बात। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है कब बनती है, ये कंडीशन तभी बनती है जब डिफ्यूजन। तो तुमको अगर बन आए कि रेनबो किससे फॉर्म होता है तो उसमें क्या सा लिखना है कि भाई हाँ ये तीन फिनोमिना कंबाइन होते हैं, बारिश बारिश होती है, बारिश होने के बाद में एटमॉस्फेयर पूरा मॉइस्चर वाला हो जाता है, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एनवायरमेंट के अंदर फैल जाती है। तो फिर जब सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स पे इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर ये फिनोमिना देखने मिलते हैं जिसकी वजह से रेनबो बनता है। इतना सही आंसर पर तो प्रिज्म से ही आया, इसलिए तो मैंने प्रिज्म के बाद में ही पढ़ा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, रेनबो के टाइम पर आपको सेवन कलर नजर आते हैं या फिर छूटे क्या छत पे मनसा करके पानी लेके चढ़े और पानी अगर फेंका उसमें कलर नजर आते हैं आते आते हैं जब पेड़ पौधों पे पानी छाट रहे होते हो। ठीक है, या पानी ऐसे दूर से फेंका पर तो भी आपको से पानी जब नीचे वापस वो ड्रॉपलेट नीचे आएगी तो उसमें सेवन कलर का बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए कलर्स नजर आए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे जिससे डिस्कवर किया। अब हमको भी इतना पता नहीं कि भाई हाँ ये ऑब्जर्व कैसे हुआ, हाँ पर एक्सपेरिमेंट्स ऑफकोर्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेनबो बना तभी, तुमको क्या लगता है ये जो नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो थ्योरी दी है वो एग्जैक्टली आइडियल है, नहीं एग्जैक्टली आइडियल नहीं है, ये जस्ट एक अनुमान है कि ऐसा ऐसा हुआ हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये रीजन बता, तो कोई भी थ्योरी आइडियल नहीं है। इवन आइंस्टाइन की जो थ्योरी दी है उसे साथ दी है वो भी आइडियल नहीं, आइडियल मीन्स जो 100% ट्रुथ, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, किसने बोला बंद करने के लिए, कहां जाने के लिए इस वीक में शायद वीक के बीच नेक्स्ट वीक में शायद सभी पहले भी क्लास आएगी, क्लास चल रहा है। चलो ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं क्लास खत्म, होमवर्क मिल जाएगा घर पे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। बाय सर, बाय सर।